Hello friends, my name is Sheikh Bilal and you are watching Gyan Distributor channel. Video शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इनडेफिनिट में हमने नेगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट वन और पार्ट टू देखा था। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं समझ लेते हैं। वो सवाल या जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स जुमले की शुरुआत में आते हैं और क्वेश्चन मार्क्स यानी सवालिया निशान आखिर में आते हैं और जिनका जवाब यस और नो यानी हाँ या ना में होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे डू यू गो, डू यू नॉट गो, डू दे स्लीप, डू दे नॉट स्लीप, डू वी लाइक, डू वी नॉट लाइक, डज शी वॉच, डज शी नॉट वॉच, डज ही रन, डज ही नॉट रन। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स और क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं इनसे जाहिर होता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। चलिए अब पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें नो, नॉट, नेवर वर्ड्स नहीं आते उन्हें पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे डू यू हैव अ पेन, डज शी लाइक, डज ही वॉक, डू आई गो वगैरह वगैरह। इन जुमलों में नो, नॉट, नेवर नहीं आया है इससे जाहिर होता है कि ये पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अब हम पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट वन देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल का पांचवा रूल जो आपके सामने है, यहाँ डू है एक हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है आई यू वी दे, वन नेम ऑफ एनी ग्रुप लाइक पीपल यानी ग्रुप का एक नाम जैसे लोग। अब हम प्रेजेंट सिंपल के पांचवें रूल के हिसाब से एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं आम खाता हूँ, ट्रांसलेशन है डू आई ईट अ मैंगो। डू एक हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, अ मैंगो एक ऑब्जेक्ट है। चलिए अब एक्सरसाइज 5 के जुमले देखते हैं। फर्स्ट, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ट्रांसलेशन है डू आई गो टू स्कूल। डू एक हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू स्कूल एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्या हम स्कूल जाते हैं, ट्रांसलेशन है डू वी गो टू स्कूल। डू हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्या वो स्कूल जाते हैं, ट्रांसलेशन है डू दे गो टू स्कूल। डू हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू स्कूल एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्या तुम स्कूल जाते हो, ट्रांसलेशन है डू यू गो टू स्कूल। डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू स्कूल एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्या मैं पानी पीता हूँ, ट्रांसलेशन है डू आई ड्रिंक वाटर। डू एक हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वाटर एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्या तुम पानी पीते हो, ट्रांसलेशन है डू यू ड्रिंक वाटर। डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वाटर एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्या वो पानी पीते हैं, ट्रांसलेशन है डू दे ड्रिंक वाटर। डू हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वाटर एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्या हम पानी पीते हैं, ट्रांसलेशन है डू यू ड्रिंक वाटर। डू हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वाटर एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्या मैं मार्केट जाता हूँ, ट्रांसलेशन है डू आई गो टू मार्केट। डू एक हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू मार्केट एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्या हम मार्केट जाते हैं, ट्रांसलेशन है डू वी गो टू मार्केट। डू हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू मार्केट एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्या वो मार्केट जाते हैं, ट्रांसलेशन है डू दे गो टू मार्केट। डू
हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू मार्केट एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्या तुम मार्केट जाते हो, ट्रांसलेशन है डू यू गो टू मार्केट। डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू मार्केट एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्या मैं खाना खाता हूँ, ट्रांसलेशन है डू आई ईट द फूड। डू एक हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, द फूड एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्या तुम खाना खाते हो, ट्रांसलेशन है डू यू ईट द फूड। डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, द फूड ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्या वो खाना खाते हैं, ट्रांसलेशन है डू दे ईट द फूड। डू हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, द फूड ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्या हम खाना खाते हैं, ट्रांसलेशन है डू वी ईट द फूड। डू हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, द फूड ऑब्जेक्ट है। अब मन में दो सवाल आते हैं, हाउ टू डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे करनी है, और हाउ टू कीप इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में कैसे रखना है। इन दोनों सवालों के जवाब मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज़रूर डाउनलोड करके देख लें। एक्सरसाइज की पीडीएफ फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे डाउनलोड कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें।